हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी रंगोली बनाने, यानी मैं अपनी रंगोली बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने सब कलर यहाँ पे बना लिया है और रंगोली का शेप भी मैंने बना लिया। अभी मैं जा रही हूँ इसको रंगोली यानी पूरा कलर करने। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से कलर मैंने बनाए हैं। तो ये सब कलर मैं अपने मतलब बालों से बनाई हूँ खुद से, क्योंकि इतने सारे कलर बहुत दिक्कत हो जाती है लाने में। तो ये सब कलर मैं अपने हाथों से बनाती हूँ ताकि मुझे अच्छी सी रंगोली बढ़िया मैं बना सकूँ। तो आपको चलिए सब कलर दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए ये सारे कलर मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए कौन कौन से कलर हैं। तो यही सब कलर है इसमें मैंने रख लिए हैं और बहुत सारे ये कलर हैं। तो इन सब कलर को मैं अभी बनाऊंगी, क्या करूंगी अभी इसमें स्प्रे बनाऊंगी अपनी रंगोली। तो ये देखिए कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। और ये सब मैंने बनाए हैं बालू से कलर करके, और जो मेरे पास कलर उपलब्ध थे उन सब का मैंने इनको बनाया, कुछ मिक्स करके भी मैंने बनाया है। और ये देखिए ये शेप मैंने बना लिया है रंगोली का, ये यहाँ पे ये शेप बन गया है मेरा, यानी मैंने शेप बना लिया। अब इसको खाली मुझे कलर से भरना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो ये जल्दी से मैं भर के फिर, अभी मुझे बहुत सारा काम है तो इसको जल्दी से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए सारे कलर तैयार हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। हाँ जी, तो अभी मैं देखिए यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। और पता है वैसे तो मैं हर दीपावली में रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा मन भी बहुत करता है रंगोली बनाने का। तो मैं जब छोटी थी तभी से मैं रंगोली बनाना शुरू कर दी थी और अभी तक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है हर दीपावली को। इस दीपावली को मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ कि कुछ कलाकारी की जाएगी, कुछ अच्छा बनाया जाएगा। और मेरी रंगोली पता है लगभग दो तीन हफ्ते तक ऐसे ही बनी रहती है, कोई भी उसको बिगाड़ता नहीं है। और अगर बिगाड़ दूँ उसको बहुत चिल्लाती हूँ तो सब मुझसे डरते, इसीलिए मेरी रंगोली कोई भी नहीं बिगाड़ती। 2 हफ्ते लगातार मेरी रंगोली ऐसी सेम टू सेम बनी रहेगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लाइव में अगर कहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर हो जाएंगे हफ्ते भर, अगर आप कहेंगे कि रंगोली दिखाओ आपकी बनी है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँगी मेरी रंगोली सेम टू सेम वैसे ही बनी रहती है। हल्का फुल्का कलर उड़ गया हो तो वो बात की बात है, बट उसी तरह बनी रहती है। तो पता मुझे रंगोली बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, मेरे हाथ ना एकदम दर्द करने लगते, क्योंकि अभी क्या है ना मुझे हाथ से ही अपनी मतलब रंगोली बनाना होता है। और सुविधा मैं एक वो लाई थी बनाने के लिए, एक डिबिया मतलब जिससे बालू डाले जाते हैं, तो वो उसमें से क्या था कि मैं ये बालू अपने से कलर की हूँ, तो वो पता है बहुत छोटी महीन वाली बालू का होता है और ये मेरी बालू थी जो बड़ी थी, तो उसमें से जा ही नहीं रही थी। तो मैं बोली इसको लाने का क्या ही फायदा हुआ, मतलब जब मुझे खुद ही से अपने हाथ से पूरा काम करना है तो क्या मतलब हुआ मेरे ये सब करने का लाने का। तो हो गया, फिर मैं उसको एक साइड में रख दी थी और फिर मैं इससे बनाई थी अपने हाथों से ही रंगोली। तो इस बार और मैं डिज़ाइन बना चुकी थी, इस बार मैंने सोचा कि मैं पिकॉक वाली डिज़ाइन बनाती हूँ। तो देखिए मैंने पिकॉक वाली डिज़ाइन दी, जिसमें पहले मोर बनाई, मोर के बाद मैंने डिज़ाइन बनाए और अपने लक्ष्मी जी के पैर भी सुंदर सुंदर बनाए। जो मुझे सबसे ज़्यादा अपने रंगोली में अच्छा लग रहा था वो है मेरी लक्ष्मी जी के पैर, इतने प्यारे लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे कि मैं आप क्या ही बताऊँ। और मुझे पिकॉक वाला इस बार का बनाना था, अगली बार मैं कौन सा बनाऊंगी वो तो मैं आपको फिर ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन पिछली बार जो मैंने बनाया था उसकी डिज़ाइन अलग थी, उसके पहले जो बनाया था उसकी डिज़ाइन अलग थी। तो हर बार कुछ मुझे क्या लगता है कि यार ये वाला तो बना चुकी हूँ, कुछ नया करा जाए, मतलब कुछ नया तरीके का बनाया जाए तो अपने को भी अच्छा लगता है। बार बार वही चीज़ बनाओ तो बोरिंग लगने लगता है ना। तो जो डिज़ाइन बन चुकी होते वो मैं डिज़ाइन नहीं बनाती हूँ, फिर मैं कोई नई डिज़ाइन बनाती हूँ। तो इस बार मैंने पिकॉक रंगोली बनाई, यानी मोर का, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को कैसे लग रहा है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हाथ देखिए कितने दर्द करने लगे थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मेरे वीडियो में भी शो हो रहा है कि मेरे हाथ जो है ना इतना दर्द कर रहा है। मेरी रंगोली देखिए बनके तैयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी रंगोली बहुत प्यारी वाली है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी रंगोली बनकर तैयार हो गई है, ऐसी बनके तैयार हुई है। मैंने मोर का बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए एक दीपक बनाई हूँ मैं, अभी और रंगोली बनाना है भगवान जी के पास, तो फिर मैं उसको बना के बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी इतना बन गया है और
अभी हम सब दिए पानी में डाल देते हैं जिससे तेल कम लगता है। ओके, तो आप लोग बताना कि आपको हमारी रंगोली कैसी लगी। ओके, अच्छी लगी कि नहीं ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी ये रंगोली मेरी बन गई थी, मोर वाली रंगोली। और मम्मी ने कहा कि जहाँ भगवान जी की पूजा करनी है वहाँ पे भी रंगोली एक छोटी सी बना दो, कि भगवान जी की पूजा करेंगे तो मूर्ति रखेंगे ना, तो प्यारी सी एक छोटी सी रंगोली बना। तो यहाँ पे मानसी रंगोली बनाने वाली थी, पर मानसी इतना बेचारी काम की थी सुबह से कि थक गई थी, तो मैंने सोचा बात नहीं मैं ही यहाँ पे बना देती। तो मम्मी बोली ठीक है, वो सो गई तो तुम ही बना दो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी बना दिया यहाँ पे रंगोली। और फिर मम्मी देखी यहाँ पूजा करने लगी वहीं पे जहाँ पे मैंने बताया आपको कि मतलब हम रंगोली थे, यहाँ पे मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली और थोड़ा सा बना दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इसमें मैं कुछ भी मैं सोच रही थी कि जल्दी से बन जाए, हो गया और मुझे छुट्टी हो रंगोली से, क्योंकि मैं बहुत मतलब 2 बजे से बनाने स्टार्ट की थी और मुझे टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुझे लाइव भी जाना पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बट मैं लाइव में बनाते भी जा रही थी और लाइव भी करते जा रही थी, बट उतना हो नहीं पाता ना दोनों चीज़ में ध्यान। अगर एक चीज़ में ध्यान लगाओ तो एक ही चीज़ में लग पाता है। आप सोचो कि एक साथ दो दो काम करो तो दोनों नहीं होता, कोई एक चीज़ ज़रूर आपसे बिगड़ जाती है। तो मैं अपना रंगोली से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना चाहती थी क्योंकि मैंने सोचती कि मेरा लाइव के चक्कर में मेरा मतलब रंगोली बिगड़ जाए। तो मैं पहले अपना लाइव की हूँ फिर उसके बाद मैं अपनी रंगोली बनाई हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है जिस चीज़ में ध्यान लगा लेती हूँ ना तो वो चीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छे से बनती है, और अगर मैं उस चीज़ में ध्यान नहीं लगाती तो मेरा मन भटक जाता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिक मुझसे बिगड़ जाती है। तो मैं दो दो काम एक साथ नहीं करती, मैं एक ही काम एक साथ करती कि मेरा एक एक चीज़ में मेरा ध्यान रहे और वो चीज़ मुझसे बेटर हो, बेस्ट मैं दिखाऊँ उसके करके। तो ये कर रही थी। यहाँ पे देखें मैं दिया जला रही हूँ क्योंकि भगवान जी की यानी घी की दिया जलाई जाती है, बाकी सरसों की हर जगह दिया जलाते हैं लेकिन सबसे पहले भगवान जी की पूजा होती है। तो भगवान जी के लिए मैं यहाँ पे घी के दिए जला रही, मम्मी मेरी सब अपना पूजा वूजा का सेटअप कर रही थी और भगवान जी की पूजा वूजा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उनको घी जला जला के दिए दे रही थी कि आप यहाँ पे पूजा करो और मैं आपका काम यहाँ पे करती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल को अभी कपड़े भी पहनाने हैं क्योंकि सब लोग तो तैयार हो गए हैं ना, और मेरे लड्डू गोपाल है तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो उनको भी मैं तैयार करूँगी। इनके लिए मैंने नए नए कपड़े लाए हैं अभी, क्योंकि सब लड्डू गोपाल मेरे कपड़े पहन चुके थे और एकदम नए कपड़े मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं अभी कल गई थी, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था उसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाए थे। और दीदी कह रही थी जो शॉप वाली हैं कि अभी और ठंडी वाले कपड़े बहुत सुंदर सुंदर आने वाले, तो अभी और मत लो और ठंडी में आ जाएगी तो फिर ले लेना। तो अभी मैं जाऊंगी उनके लिए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेके आऊँगी, फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी देखिए मैं उनको कपड़े यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के पोशाक पहना रही हूँ और मम्मी अपना पूजा कर रही हैं लक्ष्मी भगवान जी की, गणेश भगवान जी की। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था और दीपावली में। बट थोड़ा भैया लोग नहीं थे तो हम लोग की दीपावली उतनी खास नहीं हुई है, मतलब हम लोग कर तो रहे थे सब कुछ लेकिन भैया लोग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जब घर में भैया लोग नहीं होते हैं, कोई त्यौहार होता है फेस्टिवल होता है तो भैया लोग की बहुत ज़्यादा याद आती है सच्ची में। सब लोग मम्मी लोग मानसी लोग सब लोग रो रहे थे और मुझे भी रोना आ रहा था कि मतलब भैया लोग नहीं रहते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, लगा नहीं करता कि मतलब दीपावली है करके, मतलब लगा नहीं करता कि आज कोई स्पेशल दिन है, तो इतना मज़ा नहीं आ रही थी। बस हम दिखाने के लिए कि मतलब आप लोग हो गया वीडियो बनाना है और ब्लॉग भी बनाना है, इसके लिए सब कुछ कर रहे थे बट उतना मन नहीं लग रहा था उस हिसाब से, जैसे कि हम लोग हमेशा खुश रहते हैं हमेशा करते हैं उस तरह नहीं था। भैया लोग बोल रहे थे कि हो गया तुम लोग करो अच्छे से कोई बात नहीं, पर वो ध्यान नहीं जाता है। मम्मी को देख ले तो मम्मी को बहुत याद आती है भैया लोगों की, तो मम्मी उदास हो जाती तो उनको देख करके हम लोग को भी उतनी खुशी नहीं होती है ना, उतना ध्यान दे पाते। फिर मैंने देखो अपने लड्डू गोपाल पर ये सब साइड कर देते, हो गया एक दिन तो स्पेशल होता है उसको अच्छे से बिताते हैं तो स्पेशल दिन ही अपनों की याद आती है ना। तो अभी देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक पहना दी हूँ, उनके कपड़े सुंदर सुंदर और सच में इतना मतलब उनके ऊपर शूट कर रहे थे ना ये ब्लू कलर कि मैं क्या ही बताऊँ। और ब्लू कलर मुझे लग रहा था कि किसी की नज़र न लग जाए मेरे लड्डू गोपाल, तो मैं जल्दी से अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारी हूँ और देखिए मेरे लक्ष्मी गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी हवन कर रही हैं, अभी मम्मी हवन कर लेंगी ना तो फिर हम लोग आरती करेंगे लक्ष्मी जी की गणेश जी की। ओके,
तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी अभी पूजा हो गई है, हवन भी हो गया है, अब हम लोग करेंगे आरती। तो अभी थोड़ा सा मम्मी हवन वगैरह कर लें, और हवन करने के बाद मैं आपको देखिए रंगोली दिखा देती हूँ अपनी। मेरी रंगोली कितनी प्यारी लग रही थी। जब हमारी पूजा हो जाएगी उसके बाद ही हम सब जगह दिया जलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी रंगोली कितनी सुंदर लग रही, वाह किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, तो आप लोगों को तो अच्छी ही लगेगी, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी, स्वीट सी सुंदर सी, है ना। और फिर मैं आपको फोटोज़ वगैरह अभी डालूंगी तो दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए लड्डू जुग के कपड़े सुंदर सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, उनके ऊपर इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। मुझे नहीं यकीन था कि इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल के ऊपर ये कपड़े शूट करने वाले। वो कहते नहीं कभी कभी कोई कपड़े क्या हो गई है। और अब देखिए हम भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, और भगवान जी की पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दिया जलाने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे भगवान जी की पूजा हो गई है। और ये देख तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, मम्मी मैं और मानसी शूट कर रही थी, इसलिए मानसी इसमें दिख नहीं रही है, क्योंकि मानसी ब्लॉगिंग कर रही थी, मानसी शूट कर रही थी, मैं आरती करवा रही थी मम्मी की, और मम्मी जी आरती कर रही थी। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने आरती की, लक्ष्मी जी की आरती की, गणेश जी भगवान जी की आरती की, और फिर भगवान जी की पूजा करने के बाद अभी हम सब लोग क्या करेंगे, हम दिया जलाएंगे। तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मम्मी थोड़ा सा रोई वोई भी थी, भैया लोग थे नहीं, मतलब बाहर है इस टाइम भैया लोग, तो मम्मी रोई भी थी, तो मम्मी का सिर दर्द करने लगा था। तो मम्मी क्या किया, आराम करने लगी, फिर मैं दिया जलाई, मानसी खाना बनाने लगी थी। दिया रखेंगे अपने रंगोली में, और ये देखिए हमारे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखिए कितने प्यारे हमारे भगवान जी लग रहे हैं। ये और दिखाती हूँ आपको, ये हमारे हैं, ये भगवान जी हैं पुराने वाले, यानी हमारे गणेश लक्ष्मी जी। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। ये मैंने नए कपड़े पहने अपने लड्डू गोपाल को, बहुत सुंदर लग रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी। और अभी देखिए यहाँ पे दिया रखी हुई है, अभी हम लोग जलाने जा रहे हैं। चलिए सारे दिए जलाते हैं। गाइस अभी हम लोग दीपक जला रहे हैं, ये देखिए अभी सारे दिए, सब दिए दिखा रहे, अभी सारे दिए जलाएंगे और फिर हर जगह रखेंगे, सभी जगह पूरे घर में। तो अभी देखिए मैं दिया जला रही हूँ यहाँ पे, और इतनी सारी दिया जलानी थी मुझे अभी अकेले, क्योंकि मानसी खाना बना रही थी, और मम्मी का बहुत तेज मतलब सिर दर्द कर रहा था, तो मम्मी आराम कर रही थी, और मुझे अकेले ही दिया जलाना था। तो मैं सच में दिया जलाते जलाते बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा घर है, कितने बड़े घर में दिया रखते रखते सच में कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए ना, मेरा घर ही इतना बड़ा है। सभी सभी दिए जल गई हैं, अभी मैं दिए जला के देखिए खाली हुई हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको कि सब जगह हमने कितने अच्छे से दिए जलाई हैं। तो ये देखिए देखिए हमारे यहाँ अभी हम अपने मतलब अपने रंगोली में दिए जलाए हैं यहाँ पे, और मैं आपको सब जगह दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ सब जगह की, तो है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस मेरा घर, और कितना बड़ा घर है देखिए आप खुद ही, यहाँ से सीढ़ी जाने का यानी छत जाने का रास्ता है, और यहाँ पे ना देखिए यहाँ दिया रखी हुई है। थोड़ा अंधेरा था तो इसलिए लाइटिंग सही नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदर लाइट होती तो अच्छा आता है। ये गैलरी गई है अंदर का, मतलब आगे साइड का घर है, यहाँ हम लोग रहते हैं, और पीछे वाले में अभी नहीं रहते हैं, वहाँ पे रहना बंद कर दिए हैं। तो ये पीछे साइड का हमारा घर है,
तो यहाँ पे भी हमने मतलब साफ सफाई की अपना उसी तरह से, पर इधर साइड कोई नहीं रहता, इधर हमारी भैंस रहती है और एक कमरे में उस साइड, और कोई नहीं रहता, खाली रहता है, हम लोग इस साइड सब लोग रहते हैं। फिर अभी देखो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। ये जाने की रास्ता है, ये हमारी बालकनी है मतलब कि गैलरी है गैलरी, और यहाँ पे हमारे कमरे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई जहाँ पे हम लोग दिए हुए जला रहे थे, तो यहाँ हमने पूजा की है। तो यहाँ देखिए मेरी रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ भी मैंने कमरे में रंगोली बनाई, क्योंकि हम मतलब कहते हैं कि द्वार में बनाना चाहिए, लेकिन द्वार में हमारी भैंस उधर से गृह प्रवेश करती हुई आती है, तो उस पूरा बिगाड़ ही डालती सच्ची, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना रंगोली बनाई हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज इतने प्यार से बनाओ और कोई बिगाड़ दे तो मन खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मतलब कोई मेरा मन खराब कर पाए। तो मैं यहाँ पे बनाई, और फिर यहाँ पे मैं अपना छुरछुरिया छुड़ा रही थी और थोड़ा सा मजा ले रही थी। मानसी बोली मुझको ऐसे ऐसे करो, तो मैं वैसे वैसे कर रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे फनी हुआ है, और फनी मोमेंट तो बहुत ज्यादा मजी आ रही थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपना मतलब हम लोगों ने जो किया, और बहुत मतलब पटाखे वगैरह लाए थे लेकिन फोड़े नहीं है, उसी तरह रखे तो वही हैं। हो गई है, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड हैप्पी दिवाली आप सभी को। एंड बहुत मजा आया आज, आप सभी को मजा आया कि नहीं, कैसी दिवाली मनाए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। बाय बाय, हर महादेव एंड हैप्पी दिवाली।